भतीजी पर गलत निगाहें डालने वाले युवक की चाचा ने हत्या कर दी। हरदोई के टडियावा थाना इलाके के बरबटापुर रोड पर 7-8 अगस्त की रात शिव नारायण पुत्र भन्ना की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मामले में हत्या आरोपी जान मोहब्बत को गिरफ्तार कर उसके पास से आला कत्ल डंडा बरामद कर लिया गया है। उसने अपनी भतीजी पर गलत निगाहें डालने वाले युवक की हत्या कर दी थी। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि टडियावा थाना इलाके के बरबटापुर रोड पर 7-8 अगस्त की रात शिव नारायण पुत्र भन्ना की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस हत्या के खुलासे के लिए उनके निर्देशन पर एएसपी पश्चिमी व सीओ हरियावा के निकट पर्यवेक्षक में प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र सरोज को लगाया गया था। बताया कि काफी तहकीकात के बाद मामले की गुत्थी सुलझ सकी। एसपी के मुताबिक जान मोहम्मद को जब गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो सारे मामले का खुलासा हो गया। एसपी ने बताया कि मृतक उसकी भतीजी पर गलत निगाहें रखता था, जिसके चलते उसने उसकी हत्या कर दी थी। जान मोहम्मद की निशानदेही पर आला कत्ल डंडा भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 7/8 अगस्त की रात्रि में शिव नारायण नाम की व्यक्ति की हत्या थाना तरियावा क्षेत्र में कर दी गई थी। और जो मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके सर पर डंडे की चोट थी, जिसकी वजह से उसकी हत्या जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने तत्काल ज्ञात मुकदमा लिख करके और अपनी छानबीन शुरू कर दी और बहुत गहनता से छानबीन करके पुलिस ने आज जान मोहम्मद नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद किया है और मोटिव भी इस्टैब्लिश कर लिया गया है। शुरू में ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस व्यक्ति की हत्या क्यों की है। आज जब ये पकड़ा गया है मुलजिम तो ये पता चला है कि मुलजिम को यह शक था कि उसकी भतीजी पे शिव नारायण की निगाह अच्छी नहीं है और इस शक के आधार पे उसने अपने मन में कोई कहानी सोची और घटना के दिन पहले से वो छुपा हुआ था और जैसे ही शिव नारायण सोने के लिए अपने कमरे पे आया उसने अटैक करके पीछे से उसके सर पे डंडा मार के उसे गिरा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक को आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।